आज 23 जुलाई है, सुप्रीम कोर्ट का आज भी मतलब हियरिंग हुआ, और तो उसमें हियरिंग की समरी मैं दे रही हूँ और बता रही हूँ मैं आज क्या क्या हुआ था। पहले तो सॉलिसिटर जनरल काफ़ी प्रिपेयर होकर आए थे, अपने सारे पॉइंट्स अच्छे से उन्होंने रिप्रेजेंट किए, और साथ में सीबीआई का भी रिपोर्ट लाया गया था। सीबीआई के डायरेक्टर थे, उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से पेपर लीक हुआ। 9 o'clock से 12 o'clock 12:30 के अप्रॉक्स उनको पहुँचना था, तो बीच में सिर्फ पेपर का फ़ोटो लिया गया, उसके बाद पेपर प्रिंट कराया गया, और उसके बाद सॉल्वर गैंग से सॉल्व करवाया गया। तो टोटल रटने के लिए बच्चे को लगभग 1 या 1.5 घंटे ही मिले थे, ऐसा सीबीआई का कहना था। फिर होड़ा सर ने बोला कि उन पेरेंट्स का क्या जिन्होंने 30 लाख रुपए दिया सिर्फ 1.5 घंटे के लिए, पेपर जो है हाथ में बच्चे के पहले आ जाए इसी के लिए, मतलब कैसे याद करेंगे। वो जानते हैं उनके बच्चे की IQ कम है, वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन पेपर, तभी तो वो खरीदे 30 लाख में। तो मतलब उनको लगा कि ये स्टोरी तो फेक बताई जा रही है, क्योंकि अगर 30 लाख में पेपर बिकता है तो वो सिर्फ 1.5 घंटे के लिए बच्चे के हाथ में आएगा याद करने के लिए। बच्चा इतना इंटेलिजेंट तो होगा नहीं, या तो वो 720 वाला बच्चा होगा, और लीक वाला बच्चा या तो वो 0 लेवल पे था तभी तो लीक करवा रहा है, मतलब खुद को पास आउट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट से सॉलिसिटर जनरल ने ये भी बोला कि ये सक्सेस परसेंट है, कितना परसेंट लोग सक्सेस में हैं इस एग्ज़ाम में, क्वालिफाई कितने परसेंट किए हैं, वो एकदम सेम है। कुछ सेंटर्स पे कम भी हुए हैं पिछले साल से, मतलब ये सिग्निफाइज कर रहा है कि नीट का पेपर उतना मास लेवल पे लीक नहीं हुआ है, और ये सिर्फ 3 सेंटर्स में ही रह गया है। तो इस पर होड़ा सर ने बोला कि 3 ही सेंटर पर कैसे आप कह सकते हैं, मतलब आपके पास कोई एविडेंस है कि 3 सेंटर पर ही लीक हुआ है। तो CJI ने भी कहा कि हाँ, बिना एविडेंस के हम नहीं मान सकते कि सिर्फ 3 सेंटर पे लीक हुआ है, पर हम बिना एविडेंस के ये भी नहीं मान सकते कि पेपर मास लेवल पे लीक हुआ है, मतलब CBI की ही रिपोर्ट अभी आधी अधूरी है, ये मानना पड़ेगा हमें। फिर आया टेलीग्राम का जो वीडियो लीक हुआ था उसके बारे में, उन्होंने पूरा रिपोर्ट बना के लाए थे और दिखाया कि किस तरीके से वीडियो एडिट की जा सकती है। सॉलिसिटर जनरल ने लाए थे, दिखाया उसको, तो उसमें से ऑनरेबल जज ने बोला कि यहाँ पे आप ये जो दिखा रहे हैं उसका फॉन्ट और फॉर्मेट मैच नहीं कर रहा है, वीडियो के फॉन्ट और फॉर्मेट जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं फ़ोटो से जो टेलीग्राम का है पेपर लीक का। तो उसके लिए उन्होंने कहा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को कि इस पे जांच करें और आज ही मतलब उनको रिपोर्ट सबमिट करें। और होड्डा सर ये कह रहे हैं कि प्रॉबेबली जो पेपर लीक हुआ है वो 3 या 4 में को हुआ है, बैंक में जाने से पहले ही पेपर को लीक करवाया गया है, और उन्होंने ये भी कहा कि ये सिस्टमिक फेलियर नहीं है, यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है। बहादुरगढ़ में क्या हुआ कि 2 सेट्स ऑफ पेपर जो कैनरा बैंक के होते हैं और जो SBI के होते हैं, दोनों उन्होंने कलेक्ट कर लिया और स्टूडेंट्स में कैनरा बैंक का दे दिया, और उनको 2 घंटे के बाद सोशल मीडिया से पता चलता है कि पेपर जो है वो हमको SBI का देना था, कैनरा बैंक का नहीं। तो वो लोग डिसाइड करते कि एक काम करते हैं, पेपर को वापस ले लेते हैं और SBI वाला उनको दे देते हैं। SBI का देने के बाद क्वेश्चन यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या ये अथॉरिटी थी उनको कि वो इस तरीके से पेपर कलेक्ट करके दूसरा पेपर दें। और उन्होंने जो है पेपर देने के बाद लास्ट 1 घंटे के बाद उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम भी दिया पेपर सॉल्व करने के लिए, तो उनके पास ये अथॉरिटी बिल्कुल नहीं थी, ये इनको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था, और ये बिना किसी भी परमिशन के एक्स्ट्रा टाइम कैसे दे सकते थे। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन उठता है। हमारे एक एडवोकेट ने ऐसा बात रखा कि पहले जब पेपर लीक हुआ था तो 45 डेज के अंदर रीनीट हो गया था, और इस बात से हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। CBSE ने 45 डेज के अंदर जो है उस समय पेपर कंडक्ट कराया था, और अभी हम बहुत ही मतलब टाइम हमारा पास होता जा रहा है। हमारे जजेस ने 5 मिनट का ब्रेक लिया, और उसके बाद वो आते हैं और अपना फाइनल डिसीजन सुनाते हैं। फाइनल डिसीजन इनका यही रहता है कि रीनीट नहीं होने वाला है, और काउंसलिंग ऑन टाइम एटम वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4 जो है जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाला, रेडियो एक्टिविटी वाला पॉइंट है, वो वाला स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 को सही रखा गया कि स्टेटमेंट 1 इज ओनली करेक्ट। और अगर सिंगल पिटिशनर्स को अपनी पिटिशन हाई कोर्ट में लगानी है तो वो सुप्रीम कोर्ट से अपनी पिटिशन विदड्रॉ करेंगे पहले, तभी लगा सकते हैं। भाई जो हुआ वो हुआ, जिसको एक अटेम्प्ट और देना है दे सकते हैं, और जिसको नहीं देना है वो मूव ऑन कर जाओ, कोई और चीज़ देख लो। और मैं तो यार 25 का देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे एक अटेम्प्ट और देना चाहिए, पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बस 2025 फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए, डैट्स फॉर ऑल, ताकि एक फेयर रिज़ल्ट आ सके। बाकी ऑल द बेस्ट।